नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम के अंतिम समय में हम कैसे पढ़ें, कैसे हार्ड वर्क को स्मार्ट स्टडी में हम कन्वर्ट कर सकें और एक अच्छे परिणाम के रूप में हम हमारी मेहनत को कन्वर्ट कर सकें, उसके लिए एक प्रॉपर रणनीति होना बहुत ज़रूरी है और पेपर को अच्छे प्रकार से सोल्व करना और आंसर कैसे देना है ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। इस पे आप लोगों को कुछ बिंदु बनाकर हम लोग आज चर्चा करेंगे इसके ऊपर आपके लिए। फर्स्ट ऑफ तो ये है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का बहुत स्ट्रोंग होना ज़रूरी है। अगर आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, खुद पे विश्वास है, तो निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा होना ज़रूरी है। अच्छा पेपर आपका रहेगा, खुद पे विश्वास तो आपको खुद को करना होगा। दूसरी बात ये आती है कि आप उत्तर कैसे लिखें और कॉपी चेक कैसे होती है, इसकी मानसिकता आपको प्रॉपर मेंटेन होनी ज़रूरी है। अगर हम लोग ये देखें कि देखो, एक तो जो भी कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति होता है उसके पास एक बोर्ड के द्वारा, चाहे CBSE बोर्ड हो या RBSE बोर्ड हो, बोर्ड के द्वारा आंसर शीट उसको दी जाती है। अब उस आंसर शीट के आधार पर वो क्या आंसर को चेक करेगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी रहता है, कई बार ये रहता है कि जो चीज़ में टीचर्स जैसे क्लास के अंदर या कुछ क्वेश्चन को गलत निकाल देते हैं, लेकिन बोर्ड के पास ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बोर्ड में क्या होगा कि आंसर जो आपकी बुक हैं उस बुक के अंदर जो आंसर दिए हुए हैं, NCERT की जो आपकी बुक है उसमें जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसमें जो मैटर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। हो सके जहाँ तक आप एग्जाम्पल वही दें जो बुक में लिखे हुए हैं, क्योंकि जो आपकी पेपर की जो आंसर की बनेगी, आंसर जो सीट बनेगी वो बनेगी आपकी बुक के आधार पे। तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखें, एग्जांपल्स उनका याद रखें। दूसरी बात ये भी आती है कि क्या क्वेश्चन पूरा सही होने पे ही आंसर मिलता है? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन जो चेक करता है, आंसर शीट चेक करता है, बोर्ड उसको क्वेश्चन को डिवाइड करता है कि आपको फॉर्मूला लिखने के इतने नंबर हैं, उसके गणना कितने करने के इतने नंबर हैं प्रोसेस के, और लास्ट का जो रिजल्ट है उसके इतने नंबर हैं, आपने उसमें कितना स्टेप कर रखा है उतने अंक आपको मिलेंगे। अगर आपका क्वेश्चन पूरा सही नहीं है तो भी, मान लो जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है और आपका केवल आंसर गलत है तो उसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। मान लो आपको परिभाषा, प्रकार और उसके लाभ हानि पूछी है, विधि पूछी है, आपने परिभाषा लिख दी, प्रकार लिख दिया और विधि लिखी है, विधि थोड़ा बहुत मिस्टेक है, तो भी आपको 3 नंबर में से 2 नंबर निश्चित रूप से मिलेंगे। यानी पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि आपको सारे पेपर के सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होने जरूरी है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने नहीं लिखा है। अगर कोई क्वेश्चन आपको जो पूछा है, बड़े क्वेश्चन, उसमें जो चीज़ नहीं आ रही है तो भी आप लोग क्या करें, उससे संबंधित जरूर लिखें। और क्वेश्चन को, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, ये भी एक बहुत अच्छी बिंदु आता है कि हम लोग जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो उस पेपर अटेम्प्ट के अंदर जो हमारे पास पार्ट्स बने हुए हैं, हमारे पास क्या बने हुए हैं, पार्ट बने हुए हैं, उसको थोड़ा सा हम लोगों को ये देखना है इसके अंदर कि पार्ट, जैसे आपका पेपर 4 भागों में बटा हुआ है तो 4 भाग आप सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस में पेपर को सोल्व करें। जो पार्ट बने हुए हैं उस पार्ट्स के आधार पे, जैसे ए है तो ए पार्ट और फिर उसके आंसर दे, और दोनों आंसर के बीच में कम से कम 1 लाइन का गैप जरूर रखें। कई बार हम क्या आंसर को बहुत नज़दीक लिखते हैं और स्पीड से कॉपी चेक होने में आपका पर्सन आंसर चेक नहीं होता, इसका विशेष ध्यान रखें। और पार्ट के हिसाब से आपको आंसर को डिवाइड करना है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ऐसे आपको 3 भागों में या 4 भागों में पेपर बटा हुआ है उसके आधार पर देखें। फिर बात ये भी आती है कि कई बार मैथमेटिक्स के बच्चे क्या करते हैं, यहाँ आंसर लिखते हैं और गणना यही कर देते हैं इस जगह, या कैलकुलेट यहीं इसके पास में कर देते हैं, वो थोड़ा कॉपी का आपका डेकोरम है, वो डेकोरम अच्छा नहीं बनता है। रब कार्य आपको कॉपी के पीछे वाला जो पेज है वहीं आपको करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। और रब कार्य पीछे लिखने के बाद, रब कार्य करने के बाद उस पर क्रॉस लिख दे, ऊपर लिख दे रफ कॉपी, इसमें थोड़ा कॉपी का डेकोरम होना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि क्या सर कॉपी का जो डेकोरम होता है उससे वास्तविक में अच्छे अंक मिलते हैं, ज़्यादा अंक मिलते हैं? तो मेरा मानना ये है कि इसमें प्रभाव जरूर पड़ता है। आपका जो कॉपी का डेकोरम है, आप एक तो प्रत्येक पार्ट के हिसाब से आंसर दें,
दो आंसर के बीच में एक दो लाइन का गैप जरूर दे। बोर्ड के पास जो कॉपी आती है बहुत बड़ी कॉपी आती है, अच्छे पेज आते हैं, उनका यूज करें ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आपने डिफरेंट कर रखा है, लेकिन एक दो लाइन आप उसमें जरूर छोड़ें। फिर बात ये आता है कि जो पेपर है बड़े क्वेश्चनों में स्पेशली ये आता है कि पेपर को जो पूछा है आंसर वही लिखे, ना उससे ज़्यादा लिखे ना उससे कम लिखे। यानी मैटर आपको जो लिखना है वो मैटर आप जितना पूछा उतना ही लिखे। ऐसा नहीं कि आप जो पढ़ के आए हो मसाला तैयार करके आए हो खूब ज़्यादा मैटर, और आप पूछा है थोड़ा सा एक नंबर में और आप उसको बहुत ज़्यादा लिख रहे हो। क्योंकि कॉपी आंसर देने में के आपके लिए 3 घंटे का समय मान लो दे रखा है, तो पेपर बनाने वाला 3 घंटे का मैटर आपको देगा। अगर किसी आंसर को आपने बहुत ज़्यादा लिखा है तो कहीं ना कहीं आपको उस समय का कहीं ना कहीं आपको भुगतान करना होगा, और आपका कोई ना कोई क्वेश्चन छूटेगा या उसका आंसर आप प्रॉपर नहीं दे पाओगे। इसका विशेष ध्यान रखें। और आंसर में संतुलन होना जरूरी है। मान लो जैसे दो कारण पूछे हैं तो दोनों कारणों में वेटेज बराबर होना चाहिए। ऐसे नहीं एक कारण को तो आप बहुत बड़ा लिख रहे हो और समय कम होने की वजह से दूसरा बहुत छोटा लिख रहे हैं। यानी आंसर को हमें लंगड़ा नहीं करना है, उसको प्रॉपर जितना अनुपात चाहिए, जितना उसको जगह चाहिए, जितना उसको विस्तार चाहिए, परिधि चाहिए, उतना हमें देना चाहिए। एक अच्छे मार्क प्राप्त करने के लिए जो टॉपर बच्चे होते हैं उनकी कॉपी में और सामान्य बच्चे की कॉपी में यही फर्क है। मेहनत फर्क नहीं है, केवल मानसिकता और कॉपी को प्रॉपर मेंटेन करने का, पेपर को सोल्व करने का तरीका उसके पास होना चाहिए। फिर अगर हम लोग आगे देखें, कॉपी आप प्रॉपर सिक्वेंस से सेट करें और जो मुख्य मुख्य बातें हैं आप पेंसिल से उसको क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कोशिका की खोज किसने की है, तो रॉबर्ट हुक ने सन इतने में। इस प्रकार से जो वैज्ञानिक का नाम, फॉर्मूला या कोई मुख्य जो चीज़ है उसको आप पेंसिल से क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। इंग्लिश में कोई मेन वर्ड है उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला बहुत स्पीड से कॉपी चेक करता है, उसको वर्ड दिखने जरूरी है। फिर एक क्वेश्चन ये हमारे पास आया बच्चों का कि वास्तव में क्या टीचर जो कॉपी चेक करता है वो पूरा आंसर पढ़ता है? तो 90% आप ये मानिए आंसर ये है बिल्कुल नहीं पढ़ता। कोई भी जो कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति होता है वो आपका आंसर पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ता है। उस व्यक्ति को जो चीज चाहिए वो आपने लिखी है कि नहीं लिखी है उसको वो फॉलो करेगा। इसीलिए तो कह रहा हूं कि आप मेन चीजों को अंडर द लाइन करें। मेन चीजों क्या करें, अंडरलाइन करें। वो चीज अगर उसको मिल जाती है तो और उसका प्रॉपर आपने आंसर दे रखा है तो वो आगे बढ़ जाता है। अगर कहीं आपने थोड़ा बहुत बाय द वे मिस्टेक भी कर रखा है तो भी अगर फॉर्मेट आपका प्रॉपर है तो भी आपको अंक मिलने के चांस बढ़ते हैं। फिर बात ये भी आती है कि आपका जैसे क्वेश्चन है और उसको 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, पूछा जो पर्सन है उस पर्सन को अच्छे से पढ़े कि परिभाषा पूछी है, उसका प्रकार पूछा है, उसका लाभ हानि पूछी है, तो अंक 3 नंबर का है तो वो बटा हुआ अंक है, 1 नंबर प्लस 1/2 × 2 + 1 नंबर। तो ऐसे ही आंसर को 3 भागों में, अगर पर्सन 3 भागों में डिवाइड है तो दोस्तों आंसर को भी 3 भागों में आप डिवाइड कर दें। ऊपर से स्टार्ट करें बड़े क्वेश्चन में, परिभाषा, उसकी एक आधी टिप्पणी, प्रकार, अब जो हेडिंग लिख रही हो परिभाषा उसको अंडरलाइन करें, भाई ये परिभाषा आ गई, प्रकार उस प्रकार को अंडरलाइन करें ताकि ये प्रकार आ गई, लाभ हानि तो लाभ हानि फिर लिखने के बाद जो हेडिंग लिखोगे, यानी क्वेश्चन को हमें क्या करना है, आंसर को हमें डिवाइड करके देना है। अगर क्वेश्चन 3 भाग में डिवाइड है, आंसर के 3 भाग हमें स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, ताकि एग्जामिनर वहां अंक दे और आगे बढ़े। यानी कॉपी में एक मनोवैज्ञानिक रूप से कॉपी आपकी तैयार होनी जरूरी है। इन बातों का विशेष हम लोगों को ध्यान रखना है। और कॉन्फिडेंस लेवल के लिए मैंने शुरुआत में कहा कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा जरूरी है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि हम लोग सही आंसर लिख रहे हैं फिर किसी व्यक्ति को पूछकर उसका आंसर गलत कर देते हैं। आपने तैयारी अच्छी कर रखी है तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। एग्जाम सेंटर पे आप प्रवेश करते हैं उसके 5 से 7 या 10 मिनट पहले आप थोड़ा सा किताब तो आपको छोड़ दें, यार दोस्तों के साथ हल्का फुल्का सी मजाक करते हुए पॉजिटिव वे के रूप में आगे बढ़े। जो चीज़ अच्छी लग रही है आप लोगों को, जो फ्रेंड आपका अच्छा है उससे बात करें, अध्यापकों से जो टीचर्स हैं उनको नमस्ते करते हुए आगे पूर्ण एनर्जी के साथ आगे बढ़े, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। ये सारी बातें अगर आप लोग ध्यान रखोगे तो आपके अंक अच्छे आएंगे। एक सामाजिक विज्ञान के अंदर, सोशल स्टडी के अंदर क्या है कि एक पर्सन है, पिछली बार हम लोगों ने देखे हैं काफ़ी उससे पुराने पेपर में भी देखे कि जो हम मैटर पढ़ के जा रहे हैं वो कब वही पर्सन वहाँ नहीं आ रहा है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के कारण बताइए,
तो किताब में साफ साफ लिखा हुआ है, उसके कारण हमने बहुत बढ़िया पढ़ रखे, पूरा मसला तैयार है। अब ये पूछ लिया कि प्रथम विश्व युद्ध के समय आप अमेरिकन नागरिक रहते तो आप क्या करते, विचार आपके पूछ लिए तो आंसर चेंज हो गया। अब उस जगह बच्चा क्या करता है, वो मसाला उसमें ऐड कर देता है जो मसाला उसने तैयार करके आया है। अब आंसर क्या करता है, पहले वो मसाला लिखता है, फिर लास्ट में लिखता है अगर मैं रहता तो, या मैं इस प्रकार की वो दो तीन लाइनों में जो चीज़ पूछी उसको लिखता है। ये तो बिल्कुल इसमें क्या है, आपके अंक कट जाते हैं। आप ये भी देखें कि ये क्वेश्चन आपके विचार क्या है, विचार आपके जो भी है वो लिखने हैं आपको। एग्जामिनर ये चाहता है कि आप रट के जो मेटर आए हैं वो लिख रहे हैं या फिर आपके विचार जो पूछा है वो लिख रहे हैं, फोकस करें इस बात को। एग्जामिनर ये चाहता है कि आप जो पढ़ के रट के आए हो क्या वो लिख रहे हो या फिर आप अपने विचार लिख रहे हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उसका आपको जो पूछा है वो ही लिखे, पेपर को क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से पढ़े, पूछा है वो लिखे, कितने भागों में क्वेश्चन बटा हुआ है उतने भागों में आंसर बटा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है तो भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, उससे संबंधित कुछ ना कुछ जरूर लिख के आए, क्योंकि एग्जामिनर क्या है आपको पास करवाने का पूरा पूरा प्रयास करता है। अगर जहां उसको जगह मिलती है वो आपको पास करने के लिए अंक देने के प्रयास करता है। आप उससे संबंधित लिखे, उसी क्वेश्चन से संबंधित वो चीज नहीं आ रही है तो भी आप उससे कुछ लिखे। इन बातों को आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों अंतिम जो 15 दिन का जो समय है उसमें आप लोगों को कुछ विशेष प्रकार की जो ख्वाहिश है उनको त्यागना होगा। त्याग दो वो ख्वाहिशें सब, कुछ अलग करने के लिए राम ने भी त्यागा था बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। तो आप लोगों को छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको त्यागना होगा, छोटी छोटी जो चीजें उनको क्या होगा त्यागना होगा। और जो आपको डांट मिल रही है उन सारी डांटों को क्या है मेहनत के रूप में आप लोगों को क्या करना है तालियों में कन्वर्ट करना है, और स्मार्ट स्टडी आपको करनी है। जो हार्डवर्क आपने कर रखा है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें आपने निकाल रखी है उनको पढ़े। विशेष रूप से एक बात और ध्यान रखें, आप 5 से 7 साल के पेपर निकाले बोर्ड के और उसमें उन पेपरों को सोल्व करें। आपको आने वाला 2024-25 का जो पेपर है उसकी काल्पनिक आभास हो जाएगा कि क्वेश्चन तो यही आने हैं। पुराने जो पेपर्स है उसको सोल्व आउट जरूर करें। अगर 10th 12th के आपको पुराने पेपर किसी भी सब्जेक्ट की नीड है 5 से 7 साल की PDF के लिए, तो जो हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं उन पर आप कॉल करके व्हाट्सअप्स के द्वारा या हमारे ऐप से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, आपको 5 से 7 वर्ष के पेपर मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपने जो स्टडी कर रखी है, हार्ड वर्क कर रखा है, उसको स्मार्ट कन्वर्ट करना, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है और फुल कॉन्फिडेंस लेवल के साथ हमें आगे बढ़ना है। याद रखें तैयारी लगभग बहुत सारे बच्चों की सेम रहती है, खुद का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए और प्रॉपर आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, कॉपी का डेकोरम अच्छा होना चाहिए, इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, समय का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।